अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस रायपुर मंडल द्वारा चरोदा के सांस्कृतिक भवन में हर साल की तरह इस साल भी महिला दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस रायपुर मंडल के द्वारा महिला दिवस पर भव्य आयोजन चरोदा के सांस्कृतिक भवन में किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुनीता मिश्रा, डॉक्टर शांतिपूर्ति, डॉक्टर रेखा रत्नानी, दीपक वर्मा और श्रुति व्यापारी सहित रायपुर रेल मंडल के अधिकारी पदाधिकारी शामिल रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं चिकित्सा जागरूकता को लेकर सेमिनार का आयोजन भी किया गया। आयोजन में महिलाओं को उनके अधिकारों, कार्यस्थलों पर व्यवहार एवं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर गहनता से चर्चा की गई। इस पूरे आयोजन को लेकर शामिल महिलाओं ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संदेश तो बस यही है कि समलैंगिकता जो समानता का अधिकार है सबको मिलना चाहिए। हमारी नारी शक्ति और हमारी कन्याओं को अच्छे से शिक्षा मिलना चाहिए और अच्छी उनकी पढ़ाई, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके हेल्थ इशू पे सारे कुछ पर अच्छे से उनका ध्यान देकर उनके ऊपर मतलब बच्चों पे सब कुछ रहे सही सही ज़्यादा कुछ तो हम क्या बोलेंगे। तो आज हम सब लोगों को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि पहली बार हमारे देश में जो अनुपात है वो 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाओं का आ गया है। जो कुछ साल पहले महिलाएं थी वो कम थी, तो मुझे लगता है कि हम सब सचेत हो रहे हैं, ज्ञान सबको आ रहा है। बट स्टिल इस साल की जो थीम है वो है कि हमें महिलाओं के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा, उसको नो बोलना है। और दूसरा है हमें जो पक्षपात हो रहा है सालों से, सदियों से महिलाओं के साथ, उसे नो बोलना है। हमें एक बैलेंस बनाना है जहां हमारी कन्याओं को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो एक पुरुष को मिलती है या एक घर के एक बालक को मिलती है। तो समान अवसर दोनों को मिलने चाहिए हर जगह, घर में, शादी के बाद ससुराल में, वर्क प्लेस पे जहां वो काम करती हैं वहां पे, ट्रेन में, सड़क पे, हर जगह। तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी इसे इसको हेल्प कर रही है इसको आगे बढ़ाने में। तो आइए हम सब मिलकर एक समान और बैलेंस भारत की ओर चलें, इसीलिए शुभकामनाएं सबको। सबसे पहले तो मैं सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और महिला दिवस पे सिर्फ यही कहूँगी कि शिक्षा और समानता होने से ही हमारे जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है वो ख़त्म होंगे, जब महिला कंधे से कंधे मिला के पुरुषों के साथ खड़ी होंगी, जो जिसके लिए सरकार भी बहुत प्रयत्न कर रही है और काफ़ी हद तक अब कम हुई है। तो इसके लिए और हमें प्रयास करना चाहिए। हम अपने घर से ही उसकी शुरुआत करेंगे कि हमें बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना है। अंत में यही कहूँगी, कोमल है कमज़ोर नहीं, भारत की ये नारी है, कोमल है वो कमज़ोर नहीं है। महिलाओं के उत्थान के लिए अगर वो किसी को काम करना है सर, तो वो महिला खुद है। जब तक महिलाएं स्वयं अपने लिए नहीं आवाज़ उठाएंगी तब तक के लिए कोई दूसरा उनकी मदद नहीं कर सकता। और बड़ी गर्व की बात है कि आज की डेट में हमारे भारत में जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर है उनकी खुद मिनिस्टर अब महिला है, ये बहुत बड़ी बात है। बट एक से नहीं होगा, हम सबको साथ में मिलकर खड़े होना पड़ेगा और ये काम हम घर से। वहीं इस आयोजन को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस रायपुर मंडल के कोऑर्डिनेटर डी विजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज 8 तारीख है, विश्व महिला दिवस है। इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस की ओर से हमेशा की तरह बहुत उत्साह साथ में मनाया गया है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तरफ से ऑफिसर्स का जितना भी तरफ से जो ऑफिस बेर से सभी लोग आया हुए और समाज में उन्नत पदों में जो रहने वाला डॉक्टर्स, लॉयर्स सभी लोग आकर यहाँ अपना महिलाओं को किस तरीके से उद्धार करना है एक मोटिवेशन स्पीच दिया है। ये सभी लोग प्रेरित हुआ। मैं चाहता हूँ हमेशा इसी तरह हम लोग सब समाज में भी आगे बढ़ाने के लिए हर कोई हर महिला को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महिला है या माँ है तो हम लोग है। माँ का जो प्यार उनको पूरा करने के लिए उनका महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ाए तभी हम धन्यवाद होते हैं। धन्यवाद।
बहरहाल इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस के अधिकारी पदाधिकारी व कर्मचारियों सहित समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाती नजर आई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट।